गांव कैलर में जहां एक तरफ नई पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वहीं सचिवालय के साथ में लगते तालाब में अचानक एक नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि किसी ने बच्चे को पैदा होते ही गांव के तालाब में फेंक दिया। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास तालाब में तैरते हुए बच्चे की डेड बॉडी देखी गई, जिसके बाद तुरंत ग्रामीणों द्वारा शव को बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचित किया गया। नवजात बच्चे का शव तकरीबन 8 से 9 महीने का बताया जा रहा है। इस पूरी घटना पर ग्रामीणों और पुलिस का क्या कुछ कहना था, देखिए। विनोद स्नोफ राम स्वरूप, गांव कलरन, हाल पट्टी। क्या देखा था ये पे कि कितने निकाले? बस ये 1.5 घंटा पहले जो शपथ चल रही है, शपथ ग्रहण समारोह सरपंच का, तो इसके दौरान देखे माना है एक लड़का जोड़ को ऊपर खड़ा था, तो उसने तकरीबन देखे भाई छोटा सा बच्चा को जोड़ का अंदर महसूस हुआ उसको, तो देखे तो 4-5 बंदे दीवार से कूद गए उसको जोड़ से निकाल। ये पूरा बच्चा है या मतलब गर्भ? देखने तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि 8-9 महीने का गर्भ ही है शायद। ये सुबह के सुबह सुबह की बात है? नहीं नहीं, अभी 11:30-12 के आसपास की है। 11:30 क्या लग रहा है, किसी ने फेंका है या क्या पता? देखो तो किसकी साजिश है उसका या कुछ। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाथुराम है, एक्स सरपंच नाथुराम, गांव कैलरम। क्या देखा है यहाँ पे फिर आपने? हमने ये देखा था, यहाँ सब समारोह था सरपंचों का, पंचों का। यहाँ से किसी ने देखा है तालाब में, इसके पास ही तालाब है ग्राम सचिवालय पास, यहाँ किसी ने देखा, संदेश दिया कि भी ऐसे ऐसे एक लड़का करीब करीब, वैसे तो पूरा ही हो रहा है 9 महीने का करीब का है, हाँ, तो उसमें ये तालाब में पाया गया, उनसे बाहर निकलवाया गया, फिर उसके बाद हमने पुलिस को इतला दे दी। अब पुलिस आई हुई है, देखो आगे कार्रवाई जो भी है, के है कहाँ, किसका बच्चा है, किसने, तो पुलिस का कार्रवाई है भी जो भी है। कोई सीसीटीवी वगैरह भी? सीसीटीवी कैमरे है, उधर भी है इधर भी है, हाँ, ये तालाब के पास सीसीटीवी कैमरे भी है, अगर छानबीन कराएंगे तो उसमें शायद कुछ निकलेगा। मेरा नाम चांदीराम है जी। कौन सा गांव है? कैलरम जी। अच्छा, आज कैलरम में क्या मिला है? सर हम यहाँ पे जो हमारा ग्राम सचिवालय है इसमें सप्त ग्रहण पे आए हुए थे। अच्छा। कभी किसी बच्चे ने जो तालाब है यहाँ पर देखा के कि कोई बच्चे की डेड बॉडी तैर रही है। अच्छा। तो उसने आवाज़ लगाई, फिर यहाँ पे चाय पानी पिलाने वाला लड़का था एक जानी, तो उसने आके यहाँ से इसको निकाला जी। अच्छा। निकालने के बाद पुलिस के पास कॉल कर दी जी, तो मौके पर पुलिस भी आ गई है। ये कितने बजे की घटना है वैसे, तो मतलब ये पूरी प्रक्रिया कितने बजे? ये तकरीबन हो गया होगा जी, 1 घंटा हो गया होगा, मतलब अभी टाइम हुआ है 12 बजे के आसपास जी, 12:30-11 बजे के आसपास की बात है। ये एक बच्चे का शव मिला है जी। क्या गर्भ है या मतलब शव? ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जी भाई बच्चा पूरा ही है, और डिलीवरी होते ही इसको फेंक दिया गया यहाँ पे तालाब में जी। मृति मिला है एकदम जी, मृति मिला है, और खून खान भी इसका ऐसे ही लगा हुआ है सिर पे मिट्टी में तैरता हुआ। हाँ, इधर जो तालाब का किनारा है वहाँ पे ये डेड बॉडी तैर रही थी जी, रखा तो उसने आवाज़ लगाई, तो सभी ग्राम वाले आज थे ही यहाँ पे सचिवालय में, तो आके उन्होंने निकाल के देखा तो ये मृति था। अभी पुलिस को सूचना किसने दी और किस? बस यही मौजूदा थे जो जी गाँव के, उन्होंने सूचना दी, तो मौके पर पुलिस भी आई हुई है, जो भी कार्रवाई होगी देखते हैं जी। गांव कैलरम में हमने 12:30 बजे के करीब एक सूचना मिली कि कोई जोड़ में कोई बच्चा मिला है। वो सूचना पाकर हम गांव कैलरम में आए हैं, और इस बच्चे को अब लेके इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, अगली कार्रवाई। आने के बाद क्या देखा मैम यहाँ पे? बच्चा निकाला हुआ था, निकाल रखा, हाँ निकाल रखा था, वो दिखाया गया, देखा भी हमने, वो बच्चा तो कोई ज्यादा दिन का नहीं है, कल का ही आज का ही है, मतलब कल आज डाला हुआ। हाँ जी। नहीं, ऐसे देखने से क्या लग रहा है कि वो मतलब कि जैसे एक तो गर्भ होता है कि या पूरा बच्चा? नहीं, पूरा बच्चा है वो 8-9 महीने का पूरा बच्चा है। हाँ जी। अभी फिर आप जांच के लिए भेज रहे हैं? जांच के लिए पोस्टमार्टम करवाएंगे इसका।